बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आप सबको हाइब्रिड इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक और खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, एफएससी ने 22 दिसंबर 2023 को सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट आईटी का पेपर कंडक्ट किया हुआ था। व्यूवर्स, और सॉल्व करके आप लोगों के लिए लेके पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, पार्ट 1 को भी आप लोग विजिट कर ले। व्यूवर्स, अगर किसी भी एमसीक्यूज़ में डाउट हो तो काइंडली कमेंट्स में शेयर कर दें ताकि दोबारा उसमें मैं करेक्शन करके कंप्लीट पेपर अपलोड कर दो। लेट्स स्टार्ट एट क्वेश्चन नंबर 20। द टर्म डेटा वेयरहाउस वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय बेल इनमन, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 1988 में उसने ये कॉइन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21। आईपी सिक्योरिटी ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। व्यूअर्स, आईपी से रिलेटेड जितनी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन जो होती है वो नेटवर्क लेयर पे परफॉर्म किया जाता है, ऑप्शन 20 में करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22। द PID ऑफ द कर्नल फ्रांसिस इज 0, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन ऑलमोस्ट रिसेम्बल्स इन अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशंस, जैसे नाम से भी जाहिर है एंड, ऑप्शन बी 20 में करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट output devices that can be addressed by Intel 8085 is viewers 2 power 8 और 2 power 8 बराबर होती है 256 addresses की, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following language is closely related to Java? C Sharp.net, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। viewers, ये भी repeated MCQs है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। क्रोम इज़ अ वेब ब्राउज़र, क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। FSM फाइनाइट स्टेट मशीन कैन रिकग्नाइज ओनली रेगुलर ग्रामर, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़े, सॉरी 28। फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन माइक्रो प्रोसेसर इज CPM, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर इज सेलेक्टेड रैंडम बिटवीन 100 एंड 1999 बोथ इंक्लूसिव विल नॉट कंटेन द डिजिट 7। व्यूअर्स, ये एमसीक्यूज फेसबुक ग्रुप पे मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन के साथ, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 18 डिवाइडेड बाई 25। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है। नैंड फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इफ वी ऐड इन्वर्टर एट द आउटपुट ऑफ एंड गेट। व्यूअर्स, जब सबसे पहले आप लोगों ने एंड गेट फाइंड करना है। एंड गेट जब फाइंड कर लेंगे तो उसको इन्वर्ट करके ऐड करके तो इससे जो वैल्यू आएगी वो नैंड गेट के बराबर होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन आर नॉट द सिस्टम कॉल्स। व्यूअर्स, इसमें ऑप्शन ए बी और सी सिस्टम कॉल है, और क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि आर नॉट सिस्टम कॉल्स, ऑप्शन डी गेट सी ये करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 32 नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 32। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल डिफिनीशन सच एज कोबॉल लेआउट और डेटाबेस स्कीमा क्लासिकल मेटा डेटा। व्यूअर्स, ये एमसीक्यूज भी मैं फेसबुक ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। क्वेश्चन नंबर 33। द सेल्फ डिस्क्राइबिंग डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा, जिसको डेटा अबाउट डेटा भी कहते हैं, ऑप्शन 20 में करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34। जावा कंपाइलर इनकोड द सोर्स फाइल इनटू बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स, ज़्यादातर स्टूडेंट ने ऑब्जेक्ट कोड लिखा होता, जिस तरह C++ का कंपाइलर सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन जावा कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 35। द स्कोप ऑफ अ फंक्शन इज लिमिटेड टू। व्यूअर्स, यहाँ पे अगर वेरिएबल होता तो सिर्फ विद इन द फंक्शन या करंट ब्लॉक में हम उसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फंक्शन है और फंक्शन हम होल फाइल में एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर जावा फ्रेमवर्क जावा जीएक्स। ये एमसीक्यूज भी मैं शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 37, L1 कैशेज आर टाइपिकली व्यूअर्स 64 के। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। L1 के बारे में पूछा गया, L2 और L3 के से वो एक अलग मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड कर लेते। एप्रोप्रिएट इंटरनेट सर्विसेज यूज्ड टू एक्सेस योर ऑफिस कंप्यूटर एट होम इज टैलेंट यूज्ड होता है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते 39, स्टोरेज क्लास डिफाइन द स्कोप एंड परफॉर्मेंस। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ते, द इन ब्रॉड सेंस अ रेलवे ट्रैक इज एन एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स। रिपीटेड एमसीक्यूज है ये। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 41, एक इक्वेशन दिया हुआ है S2PQ एंड SQPS। व्यूअर्स ये भी मैं शेयर कर चुका और इसमें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है, 2n-1। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 42, बेरी बॉम ओरिजिनली प्रपोज विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल स्पायरल। ये यूएस का एक रिसर्चर है और स्पायरल मॉडल उसने प्रपोज किया हुआ था। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 43, फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड वी when we want to connect similar lanes having similar protocol। similar के लिए viewers bridge use होते हैं और different के लिए gateway। ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि similar lanes हैं तो इसलिए bridges use किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज है, क्योंकि अर्पानेट सबसे पहले जो नेटवर्क था उसका नाम था अर्पानेट और उस टाइम डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन डायनामिक प्रोटोकॉल की कुछ राउटिंग प्रोटोकॉल उस टाइम अर्पानेट में यूज हुई थी। अर्पानेट नेटवर्क यूजेस विच टाइप ऑफ राउटिंग। डायनामिक इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 45, द क्लॉक स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन हार्ट्स। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। व्यूअर्स ये कंप्लीट पेपर है, पार्ट 1 को भी आप लोग देख ले, पार्ट 2 भी। अगर किसी भी एमसीक्यूज में डाउट हो तो काइंडली शेयर करें ताकि दोबारा उसको मैं कंफर्म करके एक कंप्लीट पेपर अपलोड कर दूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।